हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंप्यूटर मास्टर में। दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को एक गूगल अकाउंट से दूसरे गूगल अकाउंट पर किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने उसी यूट्यूब चैनल को ओपन कर रखा है जिसको मेरे को ट्रांसफर करना है एक गूगल अकाउंट से दूसरे गूगल अकाउंट पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्विच अकाउंट पर जाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसकी जीमेल आईडी यहाँ पर आप ऊपर चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसको मैं इस दूसरी जीमेल आईडी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेस मास्टर जी ऑफिशियल @gmail.com, इसके ऊपर ट्रांसफर करूँगा। दोस्तों, ये मेरा पुराना चैनल जिसको मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये जीमेल आईडी क्रिएट की थी उस समय का यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दोस्तों अपने को जो अपने यूट्यूब चैनल को एक गूगल अकाउंट से दूसरे गूगल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले उसको पर्सन जो भी अपना यूट्यूब चैनल होता है उसको ब्रांड अकाउंट में चेंज करना होता है, यानी ब्रांड यूट्यूब चैनल में एक तरह से बदलना होता है। तो दोस्तों, उसके लिए अपने को कुछ भी नहीं करना होता। दोस्तों, जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, दोस्तों जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे इसको यहाँ से मैंने इसमें लॉग इन कर रखा। दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना होता है, सेटिंग पर जाना होता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रिएट ए न्यू चैनल का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक ब्रांड अकाउंट क्रिएट करना होता है अपने। दोस्तों, जैसे आप यहाँ से एक और ब्रांड अकाउंट इसके अंदर क्रिएट कर लेते हो। तो दोस्तों, उसके बाद में फिर अपने को एडवांस सेटिंग में जाना होता है। एडवांस सेटिंग में दोस्तों, यहाँ पे आप जाओगे तो मूव चैनल टू गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने दो तीन वीडियो बना रखे, तो दोस्तों वो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये इस चीज़ को आप कम्प्लीटली नहीं समझोगे तो फिर ये स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो इसकी वजह से कभी कभी चैनल डिलेट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, दोस्तों इसके अंदर मैंने दो तीन वीडियो बना रखे हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप चेक करोगे तो अपने यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया था हाउ टू क्रिएट ए गूगल अकाउंट, इस तरह से मैंने यहाँ पर बताया था। और दोस्तों, ये मैंने बनाया हाउ टू क्रिएट ए ब्रांड अकाउंट। तो दोस्तों, इसमें आप चेक कर सकते हो ब्रांड अकाउंट में कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, मूव यूट्यूब पर्सनल अकाउंट टू ब्रांड अकाउंट। तो दोस्तों, यूट्यूब पर्सनल अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में किस तरह से चेंज करते हैं, ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। क्योंकि दोस्तों, अपने को जो अपना यूट्यूब पर्सनल अकाउंट होता है उसको ब्रांड अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों अपन अपने यूट्यूब चैनल को एक गूगल अकाउंट से दूसरे गूगल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्विच अकाउंट पर जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो ये मेरा ये जो जीमेल आईडी यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसमें ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये ब्रांड अकाउंट में चेंज हो चुका है। ऊपर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये मेरी सिर्फ जीमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा, यानी इस जीमेल आईडी से मैंने कोई भी पर्सनल अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है। और नीचे ये ब्रांड अकाउंट बता रहा है, दोस्तों इस ब्रांड अकाउंट से मैंने लॉग इन कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता, फिर स्टूडियो के अंदर जाना होता है। तो दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जैसे आप जाओगे, तो दोस्तों यहाँ पे अपने जिस भी जीमेल आईडी को यानी दोस्तों जिस भी गूगल अकाउंट पे अपने को अपना यूट्यूब चैनल ट्रांसफर करना है उसको दोस्तों मैनेजर की परमिशन देनी होती है। वो भी 7 दिनों तक आपको मैनेजर बनाना पड़ेगा उसको सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आप जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशन का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैनेज परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस मैनेज परमिशन पर जाना है। दोस्तों, मैनेज परमिशन पर जाने के बाद में आपको मैनेज परमिशन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ से अपने को साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपने। और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट के लिए यहाँ पे कोड बोल रहा है, तो मैं कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, सेंड पे क्लिक करता है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में कोई कोड आएगा, ओटीपी कोड, तो ओटीपी कोड डाल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई के लिए अपने को इस तरह से कोड भी दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक तो कोई कोड मेरे पास में नहीं आया है, देखते हैं कोई कोड आता है क्या। तो दोस्तों, फिलहाल अभी तक तो कोई भी कोड यहाँ पे नहीं आया है। दोस्तों, अपन ऐसा करते हैं मोर वेज टू वेरीफाई पे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ अपने को ये ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी तक तो कोई कोड मेरे पास में नहीं आया, देखते थोड़ी देर वेट करते हैं। दोस्तों, कोड आ चुका है 32 61 30 32 61 30। दोस्तों, वेट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे मैनेज परमिशन पे आप दोबारा से जाओगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी जीमेल आईडी होती है उसको ओनर बनाना पड़ता है, फिर मैनेजर बनाना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैनेजर की परमिशन देनी होती है। दोस्तों जैसे यहाँ पे मेरा ये तो अपना यूट्यूब चैनल शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप प्लस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डालनी होती है, जिसको आपको 7 दिनों तक मैनेजर बनाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे मैनेजर बन गया, तो अब उसके बाद में दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेस मास्टर के नाम से ये शो कर रहा है, जो मेरा वही वाला यूट्यूब चैनल है, यानी वही जीमेल आईडी है जिसके अंदर दोस्तों मैंने नॉर्मली यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ एक अलग टैब के अंदर। दोस्तों प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, स्विच अकाउंट पे जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ये जीमेल आईडी शो कर रही है, जिसके अंदर कोई चैनल नहीं है, ब्रांड अकाउंट है। नीचे दोस्तों आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब चैनल शो कर रहा है इस जीमेल आईडी के अंदर, जो मैंने यूँ ही बना लिया था। उसके अंदर कोई सब्सक्राइबर वगैरह कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर आपने जो ये नीचे जो यही चैनल यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों मैंने इसमें परमिशन दे रखी है। अब दोस्तों परमिशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सी परमिशन दे रखी है, तो दोस्तों मैनेजर की मैंने यहाँ पे दे रखी है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस परमिशन को यहाँ से प्राइमरी ओनर की परमिशन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं प्राइमरी ओनर करके ट्रांसफर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 7 दिनों का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने 7 दिनों तक मैनेजर नहीं बनाया है। दोस्तों 7 दिनों तक आपने लगभग आपने 7 दिन तक तो मैनेजर बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों आप प्राइमरी ओनर की परमिशन दे सकते हो। अब दोस्तों मेरा जो मेस मास्टर का चैनल है वो प्राइमरी ओनर बन चुका है। अब मैं इसको डन करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उस इसको तो हटा देता हूँ, और जो जीमेल आईडी है मेरी दूसरी जिसमें मैंने ट्रांसफ़र किया है, यानी जिसको मैंने प्राइमरी ओनर बनाया, उससे लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इससे लॉगिन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जाता हूँ, और सॉरी यहाँ पे मैंने जो ये दूसरा चैनल ओपन कर लिया इसी जीमेल आईडी से। तो दोस्तों मैं वही वाला चैनल ओपन करता हूँ इसी जीमेल आईडी से, जो जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया, तो वो दूसरे वाले चैनल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में दोबारा से जाता हूँ। अब दोस्तों इसी स्टेप में दोस्तों यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैंने अलग से करके बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यूट्यूब स्टूडियो में वापस से आ गया। अब दोस्तों मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ। सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं वापस से परमिशन पे जाऊँगा। दोस्तों इसी के अंदर दोबारा से मैनेज परमिशन के अंदर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये फिर दोबारा से मैनेज परमिशन पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोड भी मांग सकता है और नहीं भी मांग सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ये दूसरा चैनल है, इसकी परमिशन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यानी दोस्तों जो मेरी दूसरी जीमेल आईडी जिस पे ये चैनल था उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ परमिशन को, और ये रिमूविंग यूज़र पे आ गया। अब दोस्तों ओके पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कम्प्लीटली इस पे आ चुका है। अब दोस्तों मैं चाहूँ तो उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ओके करके बता देता हूँ परमिशन किस तरह से चेंज हुई या नहीं हुई है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैथ मास्टर शो कर रहा है, स्विच अकाउंट पे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये जो दूसरा चैनल था मेरा, यानी जिसके अंदर मेरा चैनल था, वहाँ पे नो चैनल शो कर रहा है, और कोई चैनल यहाँ पे अपना नहीं बचा है। दोस्तों मेरा जो चैनल था वो इसमें कम्प्लीटली आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों अपने अपने यूट्यूब चैनल को एक गूगल अकाउंट से दूसरे गूगल अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये यूट्यूब चैनल शो कर रहा है दोस्तों मेरा जो, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दो चैनल शो कर रहा है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक चैनल को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपने को यहाँ पे क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मेरे को ऐड और मैनेज यूअर चैनल का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडवांस पे जाता हूँ, और डिलीट चैनल का ऑप्शन आ रहा है, इससे डिलीट कर देता हूँ। ये दोस्तों ये दूसरा चैनल है जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसी गूगल यानी जिस गूगल अकाउंट पर मैंने ट्रांसफ़र किया उसके अंदर दूसरा चैनल है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड में दोस्तों शायद कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट, दोस्तों मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यार ये कौन सा चैनल, दोस्तों ये शायद मेरा ओरिजिनल चैनल, उसमें उससे लॉगिन हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं
उससे लॉग इन करता हूँ, जिससे मैंने ये रहा कंप्यूटर मास्टर जी, कंप्यूटर मास्टर ऑफिशियल, सॉरी ये नहीं, मैथ्स मास्टर ऑफिशियल वाले से मैं लॉग इन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे शायद मैंने दूसरी जीमेल आईडी से लॉग इन कर लिया, इस वजह से ये शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है, दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या शो करता है। आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट, इस पर क्लिक करते हैं और दोनों पे चेक कर लेते हैं, डिलीट माई कंटेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो कर रहा है मैथ्स मास्टर जी ऑफिशियल, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसको डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगो भी देखते रहें और ये भी चेक कर लेगा आप कौन से चैनल को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है इस चक्कर में आप अपना पर्सनल चैनल डिलीट नहीं करते। वैसे दोस्तों यहाँ पे अपने को दोबारा से रिस्टोर करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कभी कभी आप कंप्लीटली डिलीट ना कर दें। दोस्तों देखते हैं अपने जो यूट्यूब चैनल कौन सा बच गया, उसके अंदर ब्रांड अकाउंट है या फिर क्या है। दोस्तों वैसे अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं मैथ मास्टर में जाता हूँ, यूअर चैनल पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों इसके अंदर ये बता रहा है यूअर चैनल पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों नो सब्सक्राइबर्स बता रहा है, मैथ मास्टर दूसरे वाले पे जाते हैं। दोस्तों ये मेरा चैनल ओपन हो गया है। दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर अपने पास में कौन कौन सी परमिशन बची हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं अपन, मैनेज परमिशन में जाते हैं। तो दोस्तों मैनेज परमिशन में अपने पास में वो परमिशन यहाँ पे मिली हुई है जो ब्रांड अकाउंट को होती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी फिलहाल तो वो परमिशन अपने को सारी मिली हुई है, इसका मतलब दोस्तों शायद ये अपने ब्रांड अकाउंट ही बना हुआ है, यानी दोस्तों ये पर्सनल अकाउंट नहीं बल्कि ब्रांड अकाउंट अपने एक तरह से आप यहाँ पे मान सकते हो। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ अभी, दोस्तों यहाँ पे एक ही चैनल शो कर रहा है, तो दोस्तों ये ब्रांड अकाउंट ही अपना यहाँ पे बना हुआ है, यानी दोस्तों जिसको अपने आपने अभी डिलीट किया शायद वो चला गया है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो शो हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो डिलीट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे यूअर चैनल एक ही शो कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये ब्रांड अकाउंट की परमिशन इसमें कम्प्लीटली, इसका मतलब दोस्तों ये शायद यहाँ पे अभी पर्सनल अकाउंट नहीं रहा है, ब्रांड अकाउंट ही एक तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो पे दोबारा जाता हूँ, देखते हैं क्या शो करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ और परमिशन के अंदर जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसके अंदर वही परमिशन यहाँ पे शो हो रही है। दोस्तों इस तरह से अपन जो जो एक यूट्यूब चैनल को दूसरे गूगल अकाउंट, एक अपने यूट्यूब चैनल को एक गूगल अकाउंट से दूसरे गूगल अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, तो वो ब्रांड अकाउंट में ही रहता है, यानी वो पर्सनल अकाउंट नहीं रहता है फिर बाद में। तो इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।